क्या कर रही हो? ये नजर नहीं आ रहा, करेले तोड़ रही हूँ अपने। वाह, आपके करेले लग भी गए? हाँ। ये कितने करेले लग गए दादी आपके? लगे तो नहीं है इतने ज्यादा, 3-4 ही लगे हैं, एक आधा कीड़े वाला भी हो गया। अच्छा, तो मतलब ये आज खाओगी आप? हाँ, आज मेरे लिए हंडिया पक जाएगी। ये आज मेरे अपने घर से जो 4 करेले मैंने तोड़े हैं, ये अब मैं इनको छील रही हूँ, छील के काट के पकाऊंगी। ये प्याज वाले पकाऊंगी क्योंकि मेरी अम्मी भी पकाया करती थी, बहुत मज़ेदार हो, तो आज मैंने सोचा कि मैं भी आज यही पका के खाऊं, मेरा दिल बहुत चाह रहा था। ये मैं डिश बहुत मज़े की बनाने वाली हूँ, और लिहाजा आपने इसको एंड तक देखना। एक ख़राब निकल आया। एक ख़राब निकल गया, देख रही हूँ कि आगे से कोई दूसरा ना ख़राब हो। मेरे लिए ये बहुत काफ़ी है, और मेरी वैसे भी शुगर है, मुझे किसी ने कहा कि ये खाया हो तो शुगर ख़त्म हो जाती है, तो मेरे लिए एक प्लेट बन जाएगी। अब मैं इसमें नमक लगा कर छोड़ दूँगी। देखें, ये थोड़ा सा नमक मिलाया है, इसको ऐसे ही मिक्स करूँगी। अब मैं इसको और मिक्स करके और फिर उसको मैं धोऊंगी, धो के फिर निचोड़ूंगी। मैं अब जल्दी पकाऊं क्योंकि मुझे भूख लगी हुई है। अब मैंने पानी से इसको अच्छी तरह निचोड़ा है, निचोड़ के और अब मैंने फ्राई पैन में घी तेल डाला और अब मैं इसको तलने लगी हूँ। मुझे करेले बहुत पसंद है, और वैसे भी ये मेरे घर के ताज़े करेले थे, और इसमें तो बस मज़ा ही आ जाएगा। बस मैं कहती हूँ कब पकेंगे और मैं इसको खाऊंगी। हल्के हल्के ब्राउन हो, फिर उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से, क्योंकि ज़्यादा नहीं ब्राउन करूँगी कि मज़ा नहीं आता, क्योंकि ये घर के करेले हैं, इनको मैं ज़्यादा नहीं ब्राउन करूँगी। और इसके बाद मैं इसमें प्याज डालूँगी। प्याज डालूँगी, ये देखिए अब प्याज डाला है। प्याज डाल के अब थोड़ा सा और भूनना है। प्याज कच्चा कच्चा रखते हैं, सफ़ेद सफ़ेद, फिर मज़ा आता है। अब मैं थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ। अब मैं दड़ी मिर्ची डाल रही हूँ इसमें थोड़ी सी, क्योंकि थोड़े से तो करेले हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, क्योंकि मैं करेलों में पहले भी नमक मिलाया हुआ था। अब देखिए कितना मज़े का लग रहा है, ऐसा मज़ा आएगा कि मज़ा ही मज़ा आ जाएगा। आह, इसमें हम मैंने ये टमाटर डाल लें। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रखूँगी। अब मैं इसको 5-10 मिनट के लिए दम में रखूँगी। थोड़ी देर के लिए दम।
अब थोड़ा सा चूल्हा हल्का करना। अभी इसको और थोड़ा सा भूनना है। अब टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए बस उसके बाद मेरी डिश तैयार है। माशाल्लाह मज़े मज़े की। यह बिल्कुल तैयार हो गया। अब रोटी तंदूर से मंगवाई है और रोटियां आएंगी और फिर मैं मज़े मज़े से बैठकर खाऊंगी। और